नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज बात होगी उत्तराखंड के उस सियासी बवाल की जो इस वक्त कई सवाल खड़े कर रहा है। सियासी बवाल में सबसे बड़ी खबर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ब्रेक करने वाला है, वो खबर जो इस वक्त हरीश रावत से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि हरीश रावत की नाराजगी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और उन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरीश रावत क्या राजनीति से संन्यास लेंगे या फिर नई पार्टी उत्तराखंड में बनाएंगे। लेकिन उससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास है, जो कुछ ही देर के बाद हम ब्रेक करने वाले हैं। आपको बता दें, इस पूरे विषय को लेकर जिस तरह से हरीश रावत ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, माना यह जा रहा है कि हरीश रावत अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। लेकिन वो संकेत के पीछे की सियासत क्या है, क्योंकि हरदा एक तीर से तीन नहीं, दो नहीं, चार शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत है उनकी बातों में, और आखिरकार हरीश रावत के पीछे की सियासत के असली खिलाड़ी कौन है, और क्या हरीश रावत संकेत दे रहे हैं, और आला कमान उन संकेतों को समझ रहा है, लेकिन वो नाराजगी के पीछे की वजह क्या है, वो न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको कुछ ही देर में बताएगा कि नाराजगी के पीछे की असली वजह क्या है। और हरीश रावत को मनाने में कांग्रेस आला कमान दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा, क्यों आखिरकार कांग्रेस आला कमान को वो हरीश रावत जो है मोहलत दे रहे हैं कुछ दिनों की। लेकिन कुछ दिनों की मोहलत संकेत देती है रावत की बगावत से, और रावत की बगावत का किस्सा यहां से शुरू नहीं होता, इसके पीछे एक अध्याय है, और उस अध्याय का जिक्र न्यूज वर्ल्ड इंडिया करेगा एक बड़े खुलासे के साथ कि हरीश रावत आखिरकार नाराज क्यों है, क्यों हरीश रावत ने अपनी नाराजगी ट्विटर के जरिए आला कमान के सामने रख दी, और क्यों हरीश रावत ने मोहलत दी कुछ वक्त के लिए। ये पंजा है, पंजा, कांग्रेस का पंजा, जिसे कहते हैं कांग्रेस का निशान। अब हरीश रावत ने उत्तराखंड में ये मुट्ठी बीच ली, और मुट्ठी बीचने के बाद अब वो खुलेगी तो उसमें क्या निकलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इस राजनीतिक तूतू मैमे में हम किसी भी राजनीतिक दल को शामिल नहीं कर रहे, हम उन चेहरों को शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में जो कि उत्तराखंड की सियासत को समझते हैं, उत्तराखंड के राजनीतिक पंडित हैं, और साथ ही साथ हरीश रावत की इस सियासत को भली भांति जानते भी हैं और बाखूबी समझते हैं। हरीश रावत ने ऐसा बयान नहीं, प्रतिक्रिया क्यों दी ट्विटर के जरिए वो भी, और मीडिया उनसे पूछ रही है तो कह रहे हैं इंतजार करिए। कहना क्या जा रहे हैं, कहना जा रहा है ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ और सिर्फ उस प्रेशर पॉलिटिक्स तक सीमित है जहां वो अपने आप को उत्तराखंड के भीतर चेहरा घोषित करने की वकालत आला कमान से कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है, कुछ और जिसका जिक्र मीडिया में नहीं हो रहा। मैं उसी का ही जिक्र करूंगा। मेरे साथ दो खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। मेरे साथ भागीरथ शर्मा जी जुड़ेंगे जो कि उत्तराखंड की सियासत को बाखूबी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भागीरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल जी भी जुड़ेंगे जो कि उत्तराखंड की सियासत और हरीश रावत के इस सियासी तीर के मायने हमें समझाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भागीरथ शर्मा जी आपसे समझना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, हरदा एक तीर से दो शिकार नहीं करते, जितना मैं समझता हूं उत्तराखंड की सियासत को, हरीश रावत एक तीर से चार शिकार करने के लिए जाने जाते, और ये तीर उन्होंने क्यों छोड़ा, जरा उत्तराखंड के हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि इसके मायने क्या है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ही नहीं जानना चाह रही, दरअसल कांग्रेस आला कमान भी ये समझना चाह रही है कि हरीश रावत ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। भागीरथ शर्मा जी, प्लीज अपना फोन अनम्यूट कर दीजिएगा और आपकी बात, ताकि हम समझ पाए और ये भी समझ पाए कि हरीश रावत ऐसा कह क्यों रहे। भागीरथ जी, देखिए ये बात सच है कि हरीश रावत उत्तराखंड का कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, और एक लंबी सियासत की पारी उन्होंने खेली है। 50 साल से करीब वो राजनीतिक
समर में अलग अलग युद्धों में हारे भी हैं और जीते भी हैं। अभी हमें हरीश रावत जी के जो हालिया जो ट्वीट हैं सोशल मीडिया पर, ये ऐसा नहीं है कि कल ही एक ट्वीट आया और उससे जो है खलबली मच गई और जो सियासी उबाल था वो आ गया। तो हरीश रावत जी ने अभी 3-4 दिन पहले भी एक ट्वीट किया था, उसमें अपना दर्द उन्होंने जाहिर किया था। और सबसे सक्रिय ऐसे नेता हैं हरीश रावत जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात गाहे बगाहे रखते रहे हैं, चाहे कार्यकर्ताओं से संवाद की बात हो या अपना जो है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कोई संदेश देना हो, तो ये उनका जो है ये मिजाज है और वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और ये भी सच है कि हरीश रावत जो है जब से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने हैं या उससे पहले भी घर घर गांव गांव शहर शहर वो अभियान में लगे हुए हैं। और जो पुराने कांग्रेस थे जो हताशा में थे, जो घरों में बैठ गए थे, उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हुए अपने कारवां में शामिल करने की कोशिश उनकी रही है और इससे कोई इनकार भी नहीं कर। तो मुझे ये लगता है कि जब वो कोई अभियान चला रहे थे में विभिन्न स्थानों पर, वो जो है एक विजय यात्रा और इस प्रकार से कई अन्य कार्यक्रम, नुक्कड़ सभाएं तमाम इत्यादि, वो जनसंपर्क से लेके तमाम उनकी गतिविधियां चल रही थी। मुझे ये लगता है कि हरीश रावत ने जैसे पूर्व में चेहरे की वकालत की कि चेहरा घोषित होना चाहिए 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए, और वो ये चाहते थे कि मोदी, क्योंकि बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से फिर चुनाव लड़ेगी, तो इसलिए वो स्थानीय चेहरे को लाना चाहते थे ताकि एक मैसेज जाए कि उत्तराखंड में उत्तराखंड का व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ चेहरे के पीछे ये पूरा का पूरा बवंडर खड़ा हुआ कि चेहरा घोषित कर दें तो विवाद खत्म। देखिए, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ये तो नहीं कहा मुझे चेहरा घोषित है, और उन्होंने ये जरूर कहा कि किसी को भी करे एक चेहरा, और जो चेहरा होगा उसके पीछे हम सब काम करेंगे। तो ये तो उन्होंने कहा था। अब ये क्योंकि मेरे पास जो जानकारी आ रही है जिसका मैं भागीरथ जी आपसे भी चाहूंगा कि उस पर भी आप संज्ञान लेकर अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारी आ रही है और मैं चाहूंगा वो आगे मैं उसको चर्चा में शामिल करूंगा और मैं बताऊंगा कि पीछे की वजह क्या है और क्या ये वजह जो बता रहे हैं उसको मैं आगे रखूंगा। लेकिन मनोज इस्टवाल जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपको क्या लगता है हरदा की नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, हरदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति से जान गए थे कि प्रेशर पॉलिटिक्स कैसे खेली जा सकती है। बिल्कुल चुनाव के बहाने पे इस समय सारे राष्ट्रीय दल, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, और सारे खड़े हैं। जो राहुल गांधी की रैली है जी, उसके बाद से उनका जो मिजाज बदला है वो एक्चुअली ये साबित करवाना चाहते हैं कि हाँ भैया, ये जो भीड़ है ये इसको इकट्ठा करने के लिए हरीश रावत ने कितनी मेहनत की। वो एक तो वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, दूसरा ये है कि जो असंतोष है पार्टी के बीच, उनके यहाँ जो प्रदेश का जो असंतोष है पार्टी में, 3-4 नेता जो बीच में उनको क्या कहते हैं, बार बार उनके अगेंस्ट जाकर बात करते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये सब जो उनका सेंटर वो है, संगठन है, केंद्र संगठन है, वो सब इसमें एकदम फ्री छूट रहता है कि मैं क्या करूं। आइदर ना वो ये चाल चलते कि हाँ भाई ये क्या कहते हैं अल्पसंख्यक से क्या कहते हैं कोई मुख्यमंत्री बने, वो कभी ये नहीं बोलते फिर कि मुख्यमंत्री बैसानी भूभाग से बने, और आज अगर वो मुख्यमंत्री की वकालत स्वयं करने लगे हैं तो उसके पीछे ये नीति नहीं है कि हाँ साहब वो सिर्फ मुख्यमंत्री से ही संतुष्ट हो पाएंगे,
वो या तो अपनी जमीन तलाश रहे हैं यूकेडी में, भाजपा में तो जाने से रहे, जैसे अटकलें लग रही है आपको लग रहा है वो यूकेडी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। नहीं नहीं जिसने पूरी पूरी जिंदगी जो है कांग्रेस में बिता दी, आपको ऐसा लग रहा है वो यूकेडी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं? वो तब नहीं गए जब उनके उनके घर में 15-15 विधायक बैठे हुए थे। मैं खुद देख कर आया दिल्ली में 15 विधायक बैठे हुए थे, वो तब नहीं गए? आप कह रहे हैं कि आप वो यूकेडी में जाएंगे? अरे सर मैं प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। प्रेशर पॉलिटिक्स में आप कभी देख रहे हैं कि वो त्रिवेंद्र रावत जी के साथ उनके जन्मदिन पर उनको उसमें कुछ भेंट करने जा रहे हैं? कल की तस्वीर है यूकेडी के काशी सिंह एरी के साथ वो बैठ के बातें कर रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? वो एक्चुअली एक सीधा सीधा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, तो कांग्रेस नहीं, हरीश रावत है। मतलब हरीश रावत जैसे बताना चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ से भी ऑफर है और वहां से भी ऑफर है। अब आपने सोचना है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं पार्टी में रहूं या पार्टी के बाहर कहीं राजनीति करूं? सर आप दोनों मुझसे बहुत अनुभवी हैं, मैं आप लोगों के अनुभव को चुनौती नहीं दे सकता। आप लोग मेरे मान्य हैं और हमेशा मेरे सम्मान्य रहेंगे। और अब मैं एक, क्योंकि मेरे पास जो इनपुट आ रहा है मैं सिर्फ वो रख रहा हूँ, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे पास सोर्स मेरे बता रहे हैं, अगर वो सही है या गलत है वो आप लोग करेक्ट करिए, क्योंकि आप लोग मुझसे बड़े हैं। भागीरथ जी और मनोज जी, मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूँ जो मेरे पास इनपुट आ रहे हैं। मेरे पास इनपुट ये आ रहा है कि कांग्रेस के भीतर एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो पूर्व के बागियों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए जिद पर अड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी पे आ रहा था मैं। और मनोज जी मेरे पास जो जानकारी है कि कांग्रेस का जो पूर्व बागियों का एक धड़ा है उसमें से तीन बड़े नेता कांग्रेस आला कमान के संपर्क में है, और वो इस जिद पर हैं कि हरीश रावत जो है वो किसी भी हाल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन तीनों बड़े चेहरों को शामिल किया जाए कांग्रेस में किसी भी हाल में। और वो आला कमान से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपने इन्हें शामिल किया तो मैं कांग्रेस को छोड़ भी सकता हूं। इसके पीछे की वजह सीधे तौर पर मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, सही है या गलत है ये आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि तीन बड़े चेहरे कांग्रेस के ऐसे हैं जो पूर्व में भागी हुए थे, जो बीजेपी सरकार में इस वक्त है, धामी कैबिनेट का हिस्सा है, वो कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं कुछ शर्तों के साथ, लेकिन हरीश रावत नहीं चाहता, हरीश रावत नहीं चाहते हैं, और आला कमान ये चाहता है कि उनको वापसी करवा ली जाए, लेकिन हरीश रावत इसके लिए तैयार नहीं है। क्या भागीरथ जी मेरे सोर्स जो है, जो सूत्र है, वो सही कह रहे हैं? यस और नो? देखिए ये निश्चित रूप से जो आपने कहा ये एक सियासी चर्चा है, और ये चर्चा आज से नहीं काफी समय से है। देखिए जब 2016 में हरीश रावत के नेतृत्व वाली सरकार गिराई गई, और तो उस समय ये समझा जा सका, राष्ट्रपति शासन लगा और रावत जी जो है कोर्ट के माध्यम से जो है उनकी सरकार फिर रिस्टोर हुई, निश्चित रूप से उनकी जो पीड़ा रही होगी और जिन्होंने सरकार को अस्थिर किया, उसको तोड़ा, सरकार गिरी, तो ये दर्द जरूर होता है कि कोई हमें जख्म दे गहरे और फिर जो है उन्हीं लोगों को अपने सर पर कंधे पर बैठा के जो है फिर आगे की जो लड़ाई है उसे लड़ा जाए। ये दर्द उनका व्यक्तिगत कई रूपों में छलकता रहा है, अभी ये पुख्ता नहीं है। चूंकि हम भी संपर्क में रहे हैं रावत जी और उनके करीबी लोगों के, तो ये चर्चा का विषय तो है, लेकिन है इसका अभी आधार नहीं, नहीं, नहीं मैं आधार की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते मैं अपने सोर्स का जिक्र कर रहा था कि मेरे पास ये सोर्स आए और मुझे ये बताया गया कि इसके पीछे असली वजह ये है, और मैं तभी ये चाह रहा था कि क्योंकि ये बीजेपी कांग्रेस चिल्पो वाली कहानी हो जाती, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतरीन राजनीतिक पंडित हैं, मैंने कहा आप लोगों से पूछ लूं कि हकीकत क्या है। तो मनोज इस्टवाल जी, मेरे सोर्स जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है? मेरे सोर्स कह रहे हैं कि हरीश रावत इसलिए नाराज हैं, दबाव सीधे तौर पर जो प्रेशर पॉलिटिक्स का आप जिक्र कर रहे थे उसके पीछे की असली कहानी ये है कि इन बागियों को ना लिया जाए। ये बागी हो गए थे 2016 में, अब इन्हें ना लिया जाए किसी भी हाल में, अगर लिया तो मैं छोड़ दूंगा, असली कहानी ये है।
तिलक जी, आपने चार बात कही थी, चार तक आने नहीं दिया आपने, तब तक आपने अपने पास वापसी ले ली। चौथा पॉइंट यही था, तीन पे मैं चर्चा कर चुका था, चौथे पे यही था। और मैं आपको साफ कर दूं कि वो तीन जिन चेहरों की बात कर रहे हैं आप, उसमें से दो राजपूत चेहरे और एक ब्राह्मण चेहरा है, जिन बड़े की बात आप कर रहे हैं। और ये सच है कि ये तीनों उस समय भी जब क्या कहते हैं कांग्रेस में बगावत हुई थी, तब भी हरी सावत के विरुद्ध मुखर थे। और आज जिस स्थिति में कांग्रेस है और जहां वो कांग्रेस में जाने का मन बना रहे हैं, उनके एक ही वो है कि हरीश रावत किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री ना बने अगर कांग्रेस सरकार आती है तो। कांग्रेस उनके जाने से सबल होती है या दुर्बल होती है ये कहना कठिन होगा, लेकिन हाँ, ये एक जोर का झटका भाजपा को होगा। और साथ में हरीश रावत को भी अगर बुरे शामिल किया गया तो हरीश रावत के लिए यकीनन ये राजनीति का एक बुरा अनुभव होगा, क्योंकि ये लोग हरीश रावत कहते हैं कि मैं उनका सताया हुआ हूँ, और ये लोग कहते हैं कि वो हरीश रावत के सताए हुए जी, क्योंकि उनमें से एक व्यक्तित्व तो ऐसा भी है, जितने दिन वो कुर्सी पर रहा हरीश रावत ने एक दिन भी उस कुर्सी को चैन से नहीं रहने दिया। एक एक महाशय तो उससे पहले ही बोल गए थे कि गुड बाय नमस्ते सलाम कांग्रेस को, और तीसरे महाशय ने विधानसभा के अंदर जी पूरा क्या कहते हैं धड़ा ही अलग कर दिया था। तो ये वो तीन महारथी है जो वास्तव में छटपटा है कि वापस कांग्रेस में जाए, क्योंकि भाजपा में जो उन्होंने जो उनका कद था कांग्रेस के अंदर, भाजपा में आके उन्हें एक सबक मिला है कि दूसरी पार्टी में जाना और वो भी भाजपा में जाना, फिर से ABCD सीखना राजनीति की भाजपा के हिसाब से, तो वो बड़ा कठिन उन लोगों को हो रहा है। इसलिए वो दोबारा से मन बना रहे हैं कि ये संकेत तो बिल्कुल साफ है कि वो नाराज हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल साफ है। सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी बिल्कुल साफ है। और सवाल मेरा ये कि क्या वो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की भूमिका से भी नाराज है? बिल्कुल, देवेंद्र यादव की भूमिका, देवेंद्र यादव की भूमिका उनको इसलिए पसंद नहीं है, तो देवेंद्र यादव पॉलिटिक्स के हिसाब से उनसे बहुत जूनियर है। जो हरीश रावत का कद सेंटर में रहा, संसदीय राज्य मंत्री रहे जब वो, तो उसके हिसाब से भी, और अगर उनको हरीश हरदा की ये खासियत रही है कि उनको कोई पॉलिटिक्स समझाना शुरू कर दे तो वो कतई क्या कहते हैं ये बर्दाश्त नहीं करते कि मुझे कोई पॉलिटिक्स समझाए। वो बहुत प्यार प्यार से, उनमें कुछ गुण जरूर कूटनीति के नरेंद्र तिवारी वाले हैं कि तिवारी जी भी सामने कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी जो मार होती थी वो बहुत दूरदर्शी मार होती थी। वही हरीश रावत के भी गुण है कि हरीश रावत कभी भी विरोध प्रत्यक्ष में नहीं जताते, और अप्रत्यक्ष में जताते तो उसके कुछ मायने होते। भागीरथ जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ, मगरमच्छ किसको कह रहे हैं, वो मगरमच्छ जिसको कह रहे हैं वो समझ भी गया होगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि इतना वक्त और मोहलत आला कमान को देने के पीछे एक वजह क्या है? देखिए, ये बड़ा जब राजनीतिक फैसले होते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग तो होते ही है। जो उन्होंने मगरमच्छ शब्द का प्रयोग किया है, शायद कदाचित कई लोग उसको अपनी ही पार्टी के लोगों से जोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि मुझे जिस चुनावी समुद्र को तैर कर पार करने की जिम्मेदारी दी है, उस समुद्र में सत्ता प्रतिष्ठान ने, जो वर्तमान सत्ता है, उसने मगरमच्छ छोड़े, तो वो अपनी चुनौतियां जो उस समुद्र को पार करने में जो चुनौतियां हैं उनका उल्लेख उनके संबंध में वो कहना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी चुनौती है और सत्तारूढ़ पार्टी से मुकाबला होना है, उनके पास संसाधन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में वो ये चाह रहे हैं कि जो पैरेलल समानांतर जो उनके व्यक्ति खड़े किए जा रहे हैं और या उनको उनके प्रयासों को कहीं हतोत्साहित किया जा रहा है या कोई मुंह फेर रहा है या उनको पूर्ण उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जो जो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा है उसकी तरफ से, ये सिक्का उन्होंने उसमें किया है। अभी आपने देखेंगे कि हालिया जो सर्वे हैं, आप देखिए हालिया जो सर्वे हैं, और उन सर्वे में आप देखेंगे
कि कांग्रेस को जो बढ़त मिल रही है वो यूं ही नहीं मिल रही है, कि निश्चित रूप से कांग्रेस बढ़त बना रही थी और मुख्यमंत्री की पसंद मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या अब यहां से कांग्रेस कमजोर नहीं हो जाती? क्या हरीश रावत के ऐसी प्रतिक्रिया देने से ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती कि कांग्रेस में सब कुछ और इस बार नहीं है? क्योंकि कांग्रेस हार नहीं सकती, कांग्रेस ही कहते हैं, कांग्रेस ही खुद कांग्रेस को हरा देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड कांग्रेस का भविष्य क्या हरीश रावत की मुट्ठी में आ गया? अब ये बात मान लू, मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ा रहा हूं। जी जी, आप ये आप इसको देखिए ना, हरीश रावत जी को निकाल दीजिए कांग्रेस से, तो फिर सर्वे कराइए, फिर देखिए। तो ऐसा है, किसी सत्य को स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्टी जो है चूंकि सत्ता की दावेदार है और सत्ता में ऐसे नहीं आएगा, हाईकमान को भी ये देखना चाहिए कि जो उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं, कि वो जो जितने भी ध्रुव हैं, जो गुट हैं, उनमें संतुलन और सामंजस्य की पर को बढ़ावा दे रहे हैं या शांत बैठे हुए हैं या किसी पक्ष को फेवर तो नहीं कर रहे हैं, ये हाईकमान का विषय है। मेरे ख्याल से उनकी जो शिकायत है कुछ इसी तरह की है। उन्हें ये लगता है कि उनके प्रयासों को, उनके जो कंपेन चल रहे हैं, उन कंपेन को सहयोग और समर्थन के बजाय किसी पैरेलल समानांतर कहीं दूसरे पक्ष को जो है मजबूत करने या उसको आगे लाने की कोशिशें हो रही हैं। तो यही विरोध, यही दर्द शायद उनका छलका है। और एक बात मनोज जी, जो बात भागीरथ जी कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ विषय सीधे तौर पर यही बात सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस आला कमान से जो बाकी चेहरे हुए थे उनमें से तीन चेहरों की बकायदा मीटिंग हो चुकी है, और वो मीटिंग जो है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, वो मीटिंग जो है बकायदा उत्तराखंड कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए की है। और ऐसी स्थिति में आला कमान ने सीधे तौर पर कह दिया कि हरीश रावत को अगर मना लिया जाएगा तो ग्रीन सिग्नल है, सब कुछ ओके है, और हरीश रावत उसके लिए तैयार नहीं हो रहे, जो खबरें अचन के आ रही है, असली खबर जो निकल के सामने आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि अब एक बैरियर जो है हरीश रावत ने लगा दिया है इस पूरे मसले को लेकर, और हरदा अगर उसमें कामयाब हुए तो एक संकेत जाएगा कि 2022 में अगर मगर किंतु परंतु की स्थिति आई तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा? तिलक जी, मैं भागीरथ जी की बात के पूर्ण समर्थन करते हुए आपकी बात पे भी आ रहा हूं। हरदा कि मैंने अभी इससे पहले यूकेडी और भाजपा के साथ जो फोटोग्राफ थे जी, वो ये नहीं था कि हाँ साहब हरदा क्या कहते हैं मैसेज नहीं कन्वे करना चाहते। उनका सीधा सा मैसेज था कि आप तीन छत्रपों को अगर वापसी करते हैं तो मेरे पास भी ऑप्शन खुले हैं, और ये सहिता मुझे क्या कहते हैं अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे, ये उनका मैसेज था। रही बात हरदा एक ऐसा व्यक्तित्व है राजनीति में कांग्रेस की कि उन्होंने एक मरे हुए सांप को फिर से जिंदा किया है। आप ये देखिएगा कि दोनों सीटों पे बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस की जो दुर्गत प्रदेश में है, प्रदेश में हो गई थी, आज इन 5 सालों में लगातार लगातार जनसंपर्क करके इतने ढीठ रहे हो हरदा अपने आप में कि हर दिन जनसंपर्क में रहे, चाहे वो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में रहे या फिर कुमाऊं मंडल में, और आकर उन्होंने कांग्रेस को इतना सबल कर दिया है कि वो नेक्स्ट नेक फाइट पे बीजेपी के आ गए। तो स्वाभाविक तौर पर उनका एक मकसद होगा, एक पीड़ा होगी कि भाई मेहनत मतलब दूध पिए पड़ोसी घर के रहे कड़ाई चाट वाली बात कहीं सामने ना आए, और फिर क्या कहते हैं वही बात हो जाए कि जो सरकार गिराने को तैयार थे वो सरकार बनाने के लिए फिर हमारे साथ आ गए, तो फिर मेरा वजूद क्या है। शायद ये वजूद की लड़ाई भी कहीं ना कहीं नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। आप भागीरथ सर आपने और मनोज सर आपने वक्त दिया और कीमती वक्त दिया, क्योंकि मेरे पास अभी ये खबर खुलकर सामने आ रही थी। मैंने कहा कि दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल जाए कि आखिरकार सब ये जानना चाह रहे हरीश रावत नाराज क्यों। अब कितनी बात सही है कितनी बात गलत, लेकिन न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास ये खबर निकल के सामने आ रही है कि हरीश रावत उन तीन चेहरों को लेकर, एक बार फिर से हम ये खुलासा कर दें कि उत्तराखंड बीजेपी के भीतर वो धामी कैबिनेट में शामिल भी हैं,
जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आला कमान से मीटिंग के बाद हरीश रावत सीधे तौर पर नाराज हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि वो किसी भी कीमत पर उन चेहरों को शामिल नहीं होने देना चाहते जिस बात को लेकर वो नाराज हैं। खबरें ये भी आ रही हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बकायदा उत्तराखंड कांग्रेस के एक चेहरे ने मीडिएटर की भूमिका निभाई है और कांग्रेस आला कमान को मनाने की कोशिश की है कि हरीश रावत को मनाए और किसी भी हाल में इन चेहरों को शामिल किया जाए। लेकिन सच्चाई क्या है ये हरीश रावत खुद ही खुलासा कर सकते हैं, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि इंतजार करिए। तो क्या बागियों की घर वापसी की वजह से हरीश रावत नाराज हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इसी से जुड़ी बड़ी खबर लेकर जल्दी होंगे आपके सामने हाजिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।